वेलकम टू वेबलाइन। सवे की पावर अचानक से ही कम होने लगती है। वो सोच रहा था कि अर्थ पर जितना मेरी पावर कम होती थी, लैंस ऑफ द क्रीपर में उसे कहीं ज्यादा कम होने लगी है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। लैंडमैन उसे कहती है कि सवे तुम्हें क्या कुछ हुआ है? वो कहता है कि कुछ भी नहीं, मुझे बस पुरानी बातें याद आ रही थी। ये सुनकर लैंडमैन को भी किंग इशन के बारे में याद आने लगता है। वो कहती है कि जब मैं छोटी थी तो यहीं पर ही रहती थी, क्या वो जगह अभी भी बिलोंग करती है? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गई कि मेरी सारी मेमोरीज वापस आ गई है। जब मैं छोटी थी तब तुम मुझे संभाला करते थे, मुझे ये बात भी याद आ गई है। यह सुनकर सवे कहता है कि उस वो ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। सवे कहता है कि अच्छा तो तुम उस जगह पर जाना चाहती हो, पर उस जगह तो हम ग्रिम रिपर्स को जाने पर फॉरबिडन है, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकता हूँ। वो उसे टेलीपोर्ट करके उस जगह पर लाता है। वहाँ आकर सवे सोचने लगता है कि उसने काफ़ी बार उस श्राप को तोड़ने की ट्राई की थी पर कुछ नहीं हो सकता। वो कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए पर मैं लैंडमैन को मरने नहीं दूंगा, भले चाहे मुझे ही क्यों ना मरना पड़े। लैंडमैन उसे देखकर कहती है कि क्या कुछ हुआ है? वो कहता है कि मुझे भला क्या होगा, हम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं। वहाँ पर वही लड़की आ जाती है। उसे देखकर सवे कहता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर तो ग्रिम रिपर्स का आना मना है ना? तो वो लड़की कहती है कि मैं ग्रिम रिपर नहीं हूँ, मैं तो एक लाइफ शोवर हूँ, तो मैं यहाँ पर आ सकती हूँ। लाइफ शोवर का मतलब होता है कि जिंदगी को बचाने वाला। वो लड़की कहती है कि सवे लगता है कि तुम्हारी पावर धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पाए, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। वो कहती है कि मैं म्याओ चिंग हूँ, लैंड ऑफ द लाइफ की महारानी। सवे उसे पूछता है कि वैसे तुम यहाँ पर करने क्या आई हो? तो म्याओ चिंग उसे बताने लगती है पुरानी बातें, जहाँ पर यू फन लेंस ऑफ द लाइफ में आई थी, एंड वो उसे लैंडमैन के बारे में बता रही होती है। म्याओ चिंग उसे कहती है कि वो लड़की इतनी आसानी से नहीं मरने वाली है, क्योंकि मरने से पहले किंग इशन ने उस लड़की के साथ ज़रूर कुछ किया होगा। युआन म्याओ की बातों को समझ नहीं पाती, तो म्याओ चिंग उसे कहती है कि जब किंग इशन ने ये कहा था कि उसे एक नया गॉड बनाना है, तो सारे ग्रिम रीपर उसके खिलाफ आ गए थे, पर थोड़े बहुत उनके साथ भी थे, एंड मैं भी उनमें से एक थी। किंग इशन मरने से पहले मुझसे ये कह रहे थे कि वो इस गॉड के जरिए जिंदगी और मौत के कांटे को समान करना चाहते हैं। युवन कहती है कि अच्छा तो तुम उस लड़की को बचाना चाहती हो, पर मुझे मेरी बेटी की चिंता है, वो तो उस लड़की के प्यार में पागल हो चुका है। म्याओ कहती है कि तुम इसलिए ऐसा सोच रही हो क्योंकि तुम एक माँ हो। युवन उसे कहती है कि वैसे भी तुम तो प्यार व्यार जैसी चीज़ों को कहाँ समझने वाली हो, क्योंकि तुम तो एक सिंगल बूढ़ी औरत हो। म्याओ चिंग कहती है कि देखो ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बस शादी नहीं करना चाहती हूँ, एंड मुझे उस बच्ची को बचाना है और उस श्राप को भी तोड़ना है, क्योंकि किंग इशन ने अपनी जान दी थी तो वो अपनी जान ऐसे ही ज़ाया नहीं होने देंगे, वो बच्ची ही इस श्राप को तोड़ने का जरिया है। म्याओ चिंग ये सारी बातें सोच रही होती है। वो कहती है कि सवे अगर तुम लैंडमैन के साथ रहे तो तुम एक दिन मर जाओगे, क्योंकि लैंडमैन तुम्हारी पावर से जिंदा हो रही है। सवे उसे चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? तो म्याओ चिंग कहती है कि मैं तो बस लैंडमैन को देखना चाहती थी, अब मैंने उसे देख लिया है तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, एंड वो लैंडमैन से कहती है कि हम ज़रूर मिलेंगे। लैंडमैन को भी अब पता लग गया था कि सवे उसके साथ रहता है, तो उसकी पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है, एंड एक दिन वो मर भी सकता है। लैंडमैन कहती है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तो वो उसे सॉरी कहता है। लैंडमैन कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, अगर मैं तुम्हारे पावर से ज़िंदा रह सकती हूँ तो इससे अच्छा तो है कि मैं मर ही जाऊँ। सवे उसे रोकने की ट्राई भी करता है, पर लैंडमैन कहती है कि किसी को पसंद करना इतना मुश्किल क्यों होता है। फिर लैंडमैन एक बार में आकर ड्रिंक करने लगती है, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी, तो अटेंडर उसे कहता है कि इतना भी मत पियो। लैंडमैन कहती है कि मुझे ह्यूमन वर्ल्ड में वापस जाना है, पर मैं कैसे जाऊँ, चलो मेरे लिए और भी 10 ग्लास बनाओ। वो एक ग्लास पीते ही बेहोश हो जाती है, तो वो लड़का उसे टच करने के लिए आता है। लैंडमैन कहती है कि मुझे टच मत करो, अगर तुम अनलकी हुए तो तुम अभी के अभी मर जाओगे। वो इतनी गुस्से में आ जाती है कि वो उस ग्लास को ही तोड़ देती है। वो लड़का सोचने लगता है कि मैंने ऐसा ग्रिम रेपर आज तक कभी नहीं देखा, ये कितनी शक्तिशाली है। फिर वहाँ से लैंडमैन बाहर चली आती है, वो कह रही थी कि मुझे ह्यूमन वर्ल्ड में वापस जाना है। सवे उसके पास आता है और कहता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली है।
एयरमैन कहती है कि तुम दूर रहो मुझसे। सावी कहता है कि तुम पहले शांत हो जाओ। सावी उसे ह्यूमन वर्ल्ड में वापस लाता है और कहता है कि चलो हम घर चलते हैं। तो वो कहती है कि मुझे घर नहीं जाना है। वो भागने लगती है तो सावी उसे रोकने की ट्राई करता है। वहाँ पर यूली आ जाता है एंड उन दोनों को इस तरह से देख लेता है। वो जब लियानमैन को इस हालत में देखता है तो वो कहता है कि लियानमैन क्या तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। सावी सोचता है कि ये कथा हमेशा ही हम दोनों के बीच में क्यों आ जाता है। लियानमैन यूली को लेकर वहाँ से भागने लगती है तो सावी यूली को पकड़ कर कहता है कि थोड़ी देर उसके साथ रहना एंड बाद में उसे घर छोड़कर आना। घर का दरवाज़ा भी खुला है। वो वहाँ से चला जाता है। यूली लियानमैन के साथ था। यूली उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है। तो वो जोर से चिल्लाती है कि मैं दुखी हूँ, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करना चाहती हूँ। यूली उसे पूछता भी है कि तुम इतनी सैड क्यों हो। तो वो कहती है कि देखो मेरी एक फ्रेंड है, वो एक बिल्ली को पसंद करती है एंड बिल्ली भी उसे पसंद करती है। अब ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, पर ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। अगर रहे तो दोनों में से किसी एक को मरना पड़ेगा। यहाँ पर लियानमैन का बिल्ली से मतलब था सावी। यूली समझ जाता है कि ये अपनी बात कर रही है। तो वो उसे कहता है कि देखो तुम उस बिल्ली को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हो एंड तुम उसे छोड़ना नहीं चाहती हो। किसी को पसंद करना एक पागलपन जैसा होता है। तुम उस बिल्ली के लिए पागल ही हो चुकी हो। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों साथ रहोगे तो किसी को मरना क्यों पड़ेगा। तो लियानमैन कहती है कि तुम इस बात को कभी भी नहीं समझ पाओगे। तो यूली कहता है कि नहीं, मैं समझता हूँ, मैं इस पागलपन को समझता हूँ। लियानमैन उसे ध्यान से देखने लगती है तो वो कहती है कि तुम उस बिल्ली से तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो। तो वो कहता है कि लियानमैन क्या तुम मुझे पसंद करती हो। फिर वो अपने आप में ही सोचने लगता है कि यूली तुम ड्रंक नहीं हो, लियानमैन ड्रंक है, तो तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। फैल ये वाला सीन तो यहीं पर ही कट होता है। सावी वू के पास गया था एंड उसे कह रहा था कि मुझे म्याउचिंग से मिलना है। सो इसके साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।